अभिनव शुक्ला हो रहे थे जमकर ट्रेंड। क्या है वो वजह जिसकी वजह से अभिनव शुक्ला को किया जा रहा था ट्रेंड? आइए करते हैं इस वीडियो में उसके बारे में बात। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। देखिए, अभिनव शुक्ला जो है वो इस बार खतरे में है। खतरे में इसलिए है क्योंकि नॉमिनेट हुए हैं और वो भी काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स के साथ, यानी कि जासमिन भसीन, रुबीना दलैक और अली गौरी के साथ। ये बात नहीं है कि अभिनव शुक्ला स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर उनको फैंस से वोट नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस नॉमिनेशन को स्ट्रेटेजाइज किया गया है, इवन सिलेब व्यूअर्स भी समझते हैं कि ये अभिनव को निकालने की एक तरह की कोशिश है। क्योंकि यहाँ पर ऐसे कई लोग हैं जो बातों ही बातों में ऐसा डिस्कशन करते हैं कि किस ग्रुप के साथ उन्हें खेलना है या किस ग्रुप को अलग से निकाल देना है। इनफैक्ट एक मौके पर अभिनव शुक्ला भी ये मेंशन करते हुए नजर आ रहे थे कि एजाज खान ने अली गौनी से कहा था कि मैं तुम्हें कभी भी नॉमिनेट नहीं करूंगा पूरे सीजन के दौरान। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एजाज ने भी नॉमिनेशन डिस्कस किया है। तो यहाँ पर इन चार लोगों को नॉमिनेट कर देना, जबकि इस कॉन्वर्सेशन में और भी लोग थे, तो कहीं ना कहीं ये समझ आ रहा है कि इस बार बिग बॉस क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार बिग बॉस अभिनव शुक्ला को घर भेजने की तैयारी में है। तो यहाँ पर अभिनव शुक्ला के फॉलोअर्स ने, उनके फैंस ने किया उनको जमकर ट्रेंड। ट्विटर पर हैशटैग अभिनव शुक्ला काफी ट्रेंडिंग लिस्ट में नजर आया। तो यहाँ पर उनके फैंस ये जताते हुए नजर आए कि अभिनव शुक्ला अगर निकल जाते हैं बिग बॉस 14 से बाहर तो उनके फैंस नहीं देखेंगे शो को। जी हाँ, उन्होंने ये ट्रेंड करते हुए कहा कि भाई अगर अभिनव शुक्ला को निकालने की बिग बॉस की ये चाल है तो बिग बॉस हम आपको बता दें, अभिनव शुक्ला के चले जाने के बाद हम नहीं देखेंगे इस शो को। तो यहाँ पर भाई अभिनव शुक्ला के फैंस काफी भड़के हुए हैं क्योंकि अभिनव को वोट्स भी अच्छे खासे मिल रहे हैं। अभी तक वो ट्रेंड में सेकेंड या थर्ड पोजीशन पे आ रहे हैं। लीस्ट वोट्स तो अभी तक अभिनव शुक्ला को नहीं मिले हैं। अगर इसके बाद भी अभिनव होते हैं घर से बेघर तो यहाँ पर उनके फैंस काफी हल्ला मचाने वाले हैं। क्या लगता है आपको, क्या अभिनव शुक्ला हो जाएंगे इस बार घर से बेघर? आइए करते हैं कमेंट सेक्शन में बातचीत और हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि एंटरटेनमेंट की डोज के साथ कई सारे अपडेट्स आपके रास्ते आते रहेंगे।